तो आज हम इस लेक्चर में जैसा सा पहले हम सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर बताएंगे एडिशन का जो रूल बताए थे क्या रूल था हेड एंड टेल रूल अब हेड एंड टेल रूल से फिर ट्राइंग लाया फिर क्या आया पैरलोग्राम लॉ ला लाए ला फिर पॉलीगोन लॉफ वेक्टर एडिशन आया आज हम बताने जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर ए माइनस बी ये कैसे निकालेगा ए माइनस बी का मतलब हुआ ए प्लस माइनस वेक्टर बी जैसे आप 5 फाइव माइनस थ्री फाइव माइनस थ्री का मतलब क्या हुआ फाइव प्लस माइनस थ्री अगर वेक्टर बी को ए में सब्रैक्ट करना इसका मतलब क्या हुआ माइनस वेक्टर बी को ए में क्या करना ऐड करना मतलब टू सब्ट्रैक्ट टू सब्ट्रैक्ट वैक्टर बी इन ए मीन्स इसका मतलब हुआ टू एड किस को माइनस वेक्टर बी इन किस में ए तो जहां आपका एडिशन वाला बात आ गया तो कौन रूल फिर फॉलो करेंगे हेड एंड टेल रूल तो दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन भी हम हेड एंड टेल रूल से ही बनावेंगे अब फिगर से समझिए फिगर से समझाते हैं मैंने में भी हम क्या लगा रहे हैं हेड एंड टेल रूल लगाएंगे जैसे मान लो वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी आपका ये है। सबसे पहला काम करेंगे बी का निगेटिव वेक्टर को ड्रॉ कर देंगे खींच लेंगे तो निगेटिव वेक्टर क्या होगा सेम मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन क्या लेंगे अपोजिट अगर इतना ही लंबाई का कोई दूसरा वेक्टर लिए जस्ट अपोजिट कर दिया डायरेक्शन तो कौन वेक्टर हुआ माइनस वेक्टर भी। अब आइए ए को खींचिए प्रॉपर डायरेक्शन में बी को भी हम दिखा दे रहे हैं ये वेक्टर क्या है बी अब बी का वही अपोजिट डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड कर दिया तो ये कौन वेक्टर हुआ माइनस वेक्टर बी हुआ ए वेक्टर ए ए वेक्टर क्या हुआ बी अपोजिट डायरेक्शन कर दिए तो माइनस वेक्टर बी ए का क्या ही टेल है माइनस वेक्टर बी का क्या है हेड है तो हेड एंड टेल रूल क्या बोलता है पहला वेक्टर का हेड सेकेंड वेक्टर से टेल को कंबाइन कर दिया मिला दिया तो फर्स्ट वेक्टर का जो टेल हुआ और सेकेंड वेक्टर का हेड को जो मिला देगा वही दोनों का रिजल्टेंट होगा मैंने ए प्लस माइनस वेक्टर बी डेट मींस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आया अगर नाम देना चाहिएगा तो नाम दे देते हैं पर देखिए तो इसमें भी कौन रूल लगा हेड एंड टेल रूल लगा ए वेक्टर किससे रिप्रेजेंट किया ओ ए बी वेक्टर किससे रिप्रेजेंट किए हम ए बी और इसका उल्टा कर दिए ए सी तो ए सी कर दिए तो माइनस वेक्टर बी क्या रिप्रेजेंट किया ए सी अब क्या किए किसको जोड़े ओ ए प्लस ए सी को जोड़ दिए तो ये कॉमन हटा दिया क्या वेक्टर आ जाएगा ओ सी ए क्या था ए वेक्टर क्या था माइनस वेक्टर बी डेट वेक्टर ए माइनस बी आया रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर तो दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन भी आप किस रूल से कर दिए हेड एंड टेल रूल जो रूल किसमें अप्लाई कर किए थे हम एडिशन ऑफ टू वेक्टर ये सिंपल था सबसे जो लंबा टॉपिक होगा इसमें बड़ा टॉपिक है वो क्या है मल्टीप्लीकेशन अब शुरू करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स पहले आप जैसा इंट्रोडक्शन देखिए आपका फिजिक्स मैंने फिजिक्स में अगर मैग्नीट्यूट और डायरेक्शन के आधार पर बोले कि क्लासिफिकेशन कीजिए तो दो टाइप का क्वांटिटी था कुछ क्वांटिटी क्या था स्केलर था कुछ क्वांटिटी क्या था वेक्टर था स्केलर का मतलब इसमें केवल क्या था मैग्नीट्यूट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूट भी था प्लस डायरेक्शन भी था तो दो टाइप का फिजिकल क्वांटिटी हुआ एक स्केलर हुआ एक क्या हुआ वेक्टर हुआ स्केलर एंड वेक्टर अब इसको अगर बोला जाए मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका तीन मेथड हो सकता है स्केलर इंटू स्केलर स्केलर गुना वेक्टर वेक्टर गुना वेक्टर ये तीन मेथड हुआ तीन तरीका से ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकता था टू और ये क्या हुआ थ्री फर्स्ट वाला समझिए फर्स्ट वाला क्या है जनरल है जनरल का मतलब नंबर का गुना है जैसे थ्री इंटू फाइव टू फिफ्टीन स्केलर यह भी स्केलर रिजल्टेंट भी क्या है स्केलर तो तो ये जनरल गुना है अब इसको अब हटा देते हैं फर्स्ट को अब आइए आपके पास ऑप्शन क्या रह गया दो एक वेक्टर होना चाहिए पहला हुआ है कि एक स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई कीजिए और दूसरा हुआ कि दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई कीजिए तब किस टाइप का क्वांटिटी आता है पहले आप जनरल समझिए क्या समझा रहे स्केलर इनटू वेक्टर कोई भी नंबर लीजिएगा जैसे फाइव टू थ्री ये नंबर क्या है स्केलर और इसमें कोई वेक्टर गुना कर दिए तो ये बना दिया फाइव ए ए क्या था स्केलर ये क्या है वेक्टर फाइव ए क्या आया वेक्टर इससे क्या समझे कि अगर एक स्केलर और एक वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट ऑलवेज हमेशा किस टाइप का क्वांटिटी आएगा वेक्टर ही आएगा लेकिन और भी फिजिक्स का उदाहरण देते हैं जैसे मास स्केलर क्वांटिटी एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई की जाए क्या फोर्थ वेक्टर ये स्केलर ये क्या है वेक्टर रिजल्ट भी क्या आया वेक्टर तो स्केलर और वेक्टर का जो मल्टीप्लीकेशन होगा उसका प्रोडक्ट ऑलवेज क्या आएगा वेक्टर आएगा अब आइए दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या आता है ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर जब दो भैक्टर को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रिजल्ट आपका स्केलर भी आ सकता है वेक्टर भी आ सकता है वो डिपेंड करता है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है जैसे मान लीजिए फोर्स जानते हो वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट भी क्या है वेक्टर है और इसको मल्टीप्लाई करने से वर्क कार जाता है ये क्या है स्केलर है तो अगर स्केलर आया तो यहाँ पर साइन क्या देंगे डॉट का देंगे इसलिए इसको क्या कहते हैं डॉट प्रोडक्ट मीन्स अगर एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी गुना करके सी आया ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर इस पर एरो ने दिए मतलब क्या है स्केलर तो यहां ट्राइन क्या पड़ेगा डॉट तो डॉट प्रोडक्ट अगर लिखा रहेगा तो क्वांटिटी क्या आएगा आपका स्केलर ही आएगा दूसरा ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है Force, और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी वेक्टर है इसको मल्टीप्लाई करोगे तो टॉर्क आएगा वो भी क्या है वेक्टर अगर वेक्टर आया तो यहाँ साइन क्या पड़ेगा क्रॉस जैसे ये वेक्टर ये वेक्टर, रिजल्ट भी नया एक क्या आया वेक्टर आया अगर वेक्टर आया तो बीच में हम साइन क्या देंगे क्रॉस देंगे ए वेक्टर, बी वेक्टर, रिजल्ट भी क्या आया वेक्टर। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं तो यही सब को हम आप एक, एक करके अब डिटेल में बताने जा रहे हैं तो फाइनली आप क्या समझे? एक स्केलर वेक्टर मल्टीप्लाई कीजिए रिजल्ट ऑलवेज क्या आएगा वेक्टर आएगा ऑलवेज वेक्टर ही आएगा लेकिन जब दोनों वेक्टर होगा तो रिजल्ट आइदर वेक्टर आएगा या तो स्केलर आएगा क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है करेगा फर्स्ट आते हैं जो सिंपल हुआ फर्स्ट क्या ले रहा है? स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ वेक्टर के साथ फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बीथ ए स्केलर एक वेक्टर दूसरा क्या है स्केलर ए ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विथ ए स्केलर देन इसका जो प्रोडक्ट होगा देयर प्रोडक्ट इज ए वेक्टर क्वांटिटी होगा अब जब बोले कि वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इसका डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा जिसका डायरेक्शन जो प्रीवियस वेक्टर था उसी के अकॉर्डिंग होगा उसी के सेम होगा केवल अंतर क्या पड़ेगा मैग्नीट्यूड। होज़ डायरेक्शन रिमेन्स सेम बट मैग्नीट्यूड

रिजल्ट प्रोडक्ट क्या आया वेक्टर वेक्टर आया तो उसका मैग्नीट्यूट होगा डायरेक्शन होगा तो इस जो नया वेक्टर आया उसका जो डायरेक्शन होगा पहले वाला वेक्टर कहीं ही समान होगा केवल आप मैग्नीट्यूड जो स्केलर आप उसमें मल्टीप्लाई किए उतना टाइम्स हो जाएगा अब इसको हम जो दो एग्जाम्पल से हम समझा देते हैं दो एग्जाम्पल पहला ये देखिए जनरल एक्ट पहला लेते हैं कोई नंबर लेते हैं लीजिए टू एक नंबर है रियल नंबर है ये कैसा है स्केलर क्वांटिटी है और ए पर हम देते हैं कोई एक्सलरेशन नहीं है कोई वेक्टर है अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए टू इन टू इक्वल टू कितना टू ए टू ए क्या हुआ वेक्टर हुआ अगर फिगर से समझना देखते हैं, देखिए और ये जो वेक्टर आया उसी डायरेक्शन में होगा केवल मैग्नीट्यूड उसका दुगना होगा डायरेक्शन टू ए का और डायरेक्शन ए का क्या है सेम है डायरेक्शन केवल टू ए भैक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हुआ टू गुना किसका मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड पहले वाला वेक्टर से ये कितना टाइम हो गया स्केलर टाइम हो गया ये हो गया समझ में आया डायरेक्शन में कोई चेंजेज नहीं हुआ जो नया भैक्टर आगा अब आइए फिजिक्स का कोई भी एग्जांपल लीजिए फिजिक्स का जैसे मान लीजिए आप पढ़े होंगे एम एम क्या है मास ऑफ ए बॉडी मास कैसा क्वांटिटी होता है स्केलर होता है और ए पर हम दिए एरो क्या है एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन मैंने त्वरण रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी एक कैसा क्वांटिटी है वेक्टर है अगर आप मास में एक्सेलरेशन को गुना कर दिए तो ये क्या आता फोर है फोर्स आता है ये देखो ये क्या है स्केलर एक्सलेशन क्या है वेक्टर फोर्स कैसा आया वेक्टर तो रिजल्ट क्या दिया वेक्टर एक स्केलर ले रहे थे और एक क्या लिए वेक्टर रिजल्ट क्या दिया आपको वेक्टर दिया केवल फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होगा एम इंटू किसका मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड लेकिन फोर्स का डायरेक्शन जो होगा डायरेक्शन सेम डायरेक्शन होगा किसका सेम डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ए का जो डायरेक्शन हुआ वही फोर्स का हुआ केवल अंतर किस में पड़ा मैग्नीट्यूड तो ये फर्स्ट तो सिंपल था सिंपल क्या था कि एक वेक्टर और एक स्केलर मल्टीप्लाई किया रिजल्ट ऑलवेज क्या आया वेक्टर ही आया केवल मैग्नीट्यूड चेंज हुआ डायरेक्शन क्या हुआ प्रीवियस वेक्टर के ही समान हुआ अब आते मेन आपका अभी हम समझा दे चुके हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स तो क्या हुआ कि जब दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रिजल्ट या तो वेक्टर आएगा या तो स्केलर आएगा डिपेंड अपॉन रिजल्टेंट क्वांटिटी जो प्रोडक्ट के बाद कैसा क्वांटिटी आ रहा है एक टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड देन द प्रोडक्ट इज आयदर स्केलर और वेक्टर डिपेंड्स अपॉन रिजल्टेंट क्वांटिटी इस कारण से इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन दो टाइप का हुआ अगर आपका स्केलर आया स्केलर तो उसका दो नाम हुआ एक स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं और बीच में जो साइन देते हैं डॉट देते हैं इसलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है डॉट प्रोडक्ट अभी आप सिंपल समझिए जैसे यह वेक्टर बी भी क्या है वेक्टर एरो देने का मतलब कैसा क्वांटिटी हुआ वेक्टर क्वांटिटी हुआ और रिजल्ट क्या आया इस पर एरो ने दिए मतलब क्या हुआ स्केलर यहां साइन क्या पड़ेगा डॉट का पड़ेगा ये वेक्टर ये भी वेक्टर यह क्या है स्केलर और सेकेंड टाइप का क्या हो सकता है वेक्टर प्रोडक्ट या बीच में क्रॉस का साइन देंगे तो क्या होगा क्रॉस प्रोडक्ट जैसे देखिए ये वेक्टर बी भी वेक्टर क्रॉस दिए रिजल्टेंट आया सी ए भी वेक्टर कोई नया वेक्टर आया तो वेक्टर वेक्टर ये भी क्या हुआ वेक्टर अगर दो वेक्टर के बीच में अगर डॉट का साइन देंगे तो आप समझिए कि रिजल्टेंट क्वांटिटी स्केलर है और दो वेक्टर का बीच में अगर साइन हम क्रॉस देंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है वेक्टर है तो अब आइए हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट का मतलब स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट पहला लेने ले जा रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पहले इसका स्टेटमेंट समझिए कोई भी फार्मूला पहले हम पढ़ते हैं जनरल फार्मूला पढ़ते हैं मान लीजिए दो वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में ये और ये वेक्टर बी है बीच का ये एंगल क्या है ठिट्टा है अगर ए और बी को मल्टीप्लाई कर दिए ए और बी मल्टीप्लाई किए कैसा क्वांटिटी आया स्केलर तो सबसे पहले यहाँ पर साइन क्या दीजिएगा डॉट ए क्या है वेक्टर ये क्या है वेक्टर और सी क्या है स्केलर अगर प्रोडक्ट स्केलर आया इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें ओनली क्या रहेगा मैग्नीट्यूट रहेगा सी में ओनली क्या होगा मैग्नीट्यूट होगा डायरेक्शन नहीं होगा क्योंकि कैसा क्वांटिटी आया स्केलर आया अब आइए कि इसका मैग्नीट्यूट क्या होगा ए डॉट बी ए का मैग्नीट्यूट लिए बी का मैग्नीट्यूट लिए और इनटू इसमें क्या गुना कर दिए कॉस्ट या सिंपली बोलिएगा तो ये बी कॉस थीटा थीटा क्या है यहां पर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है अगर आपसे कोई पूछा क्यों जी कॉस थीटा ही क्यों लिए साइन थीटा क्यों नहीं लिए उसका जवाब समझिए जैसे ये वेक्टर इस डायरेक्शन में ये डायरेक्शन अलग अलग है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लीजिए बी लिया और बी वेक्टर का एक ए के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है एक्स है एक्स कैसे निकालिएगा आपको कॉस थिट्टा लेना होगा एक्स वाई बी तो एक्स बराबर क्या आया बी थीटा तो ये जो बी वेक्टर है इसके एक ए के डायरेक्शन में कंपोनेंट जो होगा प्रोजेक्शन जो होगा क्या होगा बी थीटा इसलिए यहाँ पर क्या लिया गया बी कॉस् थीटा तो ए डॉट बी उसमें मैग्नीट्यूट आपको क्या दे? याद रखना है ए बी कॉ थिटा याद रखना है अब एक एग्जांपल देते हैं कोई मान लीजिए वर्क का देते हैं एक पॉइंट है या बॉडी है इस पर फोर्स लगाया इधर हम टेन न्यूटन और इसमें डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ एस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है फोर मीटर और बीच का ये एंगल मान लीजिए कितना सिक्सटी डिग्री है आपको अगर बोला गया कि इसका वर्क डन निकालिए फोर्स वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, और ये जो प्रोडक्ट कर रहे हो क्या है स्केलर है तो सबसे पहला काम कीजिए कि यहां पर क्या दीजिएगा डॉट का सिंबल। एफ डॉट एस बराबर क्या हुआ डब्लू डब्लू मीन्स क्या है वर्क कैसा क्वांटिटी है स्केलर है तो अभी आप पढ़े बताए ए डॉट बी मने ए बी कॉ थीट्टा मीन्स एफ का मैग्नीट्यूट लेंगे एस का मैग्नीट्यूट लेंगे इन टू क्या लेंगे कॉस थीटा एफ का मैग्नीट्यूट क्या? E क्या है टेन है ई फोर है और कॉस सिक्सटी का वैल्यू वन बाई टू आंसर क्या आया ट्वेंटी ये आपका वर्क का जनरल फॉर्मूला आपसे पूछेगा तो आप एफ एस नहीं बोलिए एफ एस हो सकता है एफ एस कब होगा बोलो थीटा का वैल्यू क्या हो जीरो हो तब डब्ल्यूर ड़, ड़, आर फार्मूला क्या हो जाएगा एफ एस लेकिन वर्क डन का अगर फॉर्मूला जनरल बोलिएगा तो एफ एस थीटा है इस क्वेश्चन में अगर आपको पूछा कि मैक्सिमम वर्क कब होगा अधिक से अधिक कार्य कितना करना पड़ेगा तो इसका वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा हमको वन वन लेने के लिए एंगल कितना लेना होगा जीरो डिग्री जब जीरो जाएगा तो ये आंसर कितना हो जाएगा फोर्टी जूल तो ये सब हम प्रॉपर्टीज में बताएंगे तो समझ गया डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का मतलब A, B, हुआ अब आइए कुछ इसका प्रॉपर्टी देखिए सिंपल प्रॉपर्टी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर बनता है न्यूमेरिकल बनेगा पहला ये मेन आप फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा कि ए डॉट बी का मतलब ए मोडलस लेना है बी मोडलस लेना इंटू कॉस्ट या सिंपली लिखना होगा तो इसको ये भी प्रॉपर्टी है ये। का अगर पूछे हम कि मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा जी तो तुम बोलोगे वन होगा वन कितना एंगल पर होगा तो जीरो डिग्री पर होगा तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हुआ ए डॉट बी का वैल्यू मैक्सिमम जब बीच का एंगल कितना डिग्री जीरो डिग्री और जीरो कब होगा जब दोनों वेक्टर क्या होगा सेम डायरेक्शन में होगा पैरेलल होगा तभी ना जीरो होगा तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हुआ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम एफ एंगल बिटवीन देन इज जीरो डिग्री अगर हम थीटा को ले लिया जीरो तो बच्चों कॉस थीटा का वैल्यू वन वन जानते हो क्या है मैक्सिमम वैल्यू है इसलिए ए डॉट बी का वैल्यू ए टू बी ए टू बी क्या हुआ मैक्सिमम जैसे आपका वर्क का फॉर्मूला भी क्या बताया था एफ एस कॉस ठिट्टा अगर थीटा जीरो हो जाएगा तो फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा एफ एस और इज का क्या है मैक्सिमम वैल्यू कौन होगा एफ एस होगा तो जनरल टाइप का केवल मैग्नीट्यूट ए का मैग्नीट्यूट लीजिए बी का मैग्नीट्यूट मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए डॉट बी का वैल्यू निकल गया फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ गया बात है अगर हम इस इक्वेशन में नाइंटी डिग्री बैठा दें तो कॉफ नाइंटी का वैल्यू जानते हो क्या हो जाता है जीरो तो ए डॉट बी बी क्या हो गया जीरो तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इसी में हम चेंज कर रहे हैं जीरो होगा इफ एंगल बिटवीन देन कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा और 90 कब होगा जब दोनों वेक्टर क्या रहेगा परपेंडिकुलर होगा फिगर से देखिए अगर आगे तो पहले दोनों ढंग से लागू है मान लो ये वेक्टर ए है ए वेक्टर क्या है बी ऐसे एंगल अंदर वाला नहीं होना चाहिए एंगल क्या होगा ये वाला होगा डायरेक्शन के अनुसार एंगल बाहर वाला हुआ थिट्टा नाइंटी कॉस ठिटा का वैल्यू क्या हो गया जीरो ए डॉट बी का भी वैल्यू क्या हो गया जीरो अब इसी को रिवर्स में देता है कभी कभी रिवर्स में देगा रिवर्स क्या देगा देखो अगर ए डॉट बी का वैल्यू जीरो दिया हुआ है तो बोलेगा बीच का एंगल निकालिए ए डॉट बी मैंने ए बी कॉस ठिक्टा का वैल्यू क्या हुआ जीरो ए जीरो नहीं होगा बी जीरो नहीं होगा तो कॉस्ट ठिक्टा का वैल्यू क्या हुआ जीरो इसका मतलब ठिट्टा कितना डिग्री हुआ नाइन्टी मैंने ए परपेंडिकुलर किस पर हुआ बी तो इस पर ऑब्जेक्टिव आया दो दो प्रॉपर्टी समझे मैक्सिमम होगा तो बीच का एंगल क्या लिखेगा जीरो अगर बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो ए डॉट बी का वैल्यू जीरो होगा अगर रिवर्स में दे दिया कि ए डॉट बी जीरो है तो ठिट्टा बिटवीन ए एंड बी तो फिर आंसर क्या दीजिए 90 डिग्री दो प्रॉपर्टी समझ गए बहुत सारा प्रॉपर्टीज है थर्ड फोर्थ आते हैं तो तो इसमें आपका थर्ड प्रॉपर्टी क्या है देखिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इट सेल्फ विथ इट्स सेल्फ अपने साथ इसको डॉट प्रोडक्ट किए इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एट्स मोडलस मीन्स क्या समझाते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं जैसे मान लीजिए वेक्टर ए है और फिर ए अपने साथ इसको हम क्या कर दिए डॉट प्रोडक्ट तो इसका वैल्यू क्या होगा इसका सिंपली मोडलस का स्क्वायर या सिंपली क्या लिखेगा ए आप सोचोगे ए डॉट ए तो ए स्क्वायर होबे करता है वो चीज नहीं ना है यहाँ वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन है ए क्रॉस ए पढ़िएगा तो जीरो भी होगा अगला टॉपिक में बताएंगे उसको तो इसको प्रूफ कैसे कीजिएगा देखिए ए डॉट बी हम क्या पढ़ा ए बी कॉस थीटा अब यहां पर हम लिख रहे हैं ए डॉट ए यहाँ लिखा है बी के यहाँ पर भी क्या लिखा ए यहाँ थीटा क्या था थीटा था ए और बी के बीच का एंगल था यहाँ क्या होना चाहिए ए और ए के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा जीरो कोई वेक्टर इट क्या एंगल बनाएगा जीरो नहीं बनाएगा तो यहां पर क्या कर दिया कॉस जीरो जीरो का वैल्यू क्या होता है वन तो वन हो गया तो ए स्क्वायर हो गया या मोडलस का क्या हुआ स्क्वायर हो गया तो क्या समझे कि दो वेक्टर का अगर मैंने किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इट्स कर देंगे अपने साथ कर देंगे तब उसका वैल्यू क्या हो जाएगा मोडलस के स्क्वायर के बराबर फोर्थ प्रॉपर्टी में आते हैं। चौथा प्रॉपर्टी क्या कहा देखिए आपको हम बताए थे एडिशन में एक रूल था कॉमेटेटिव लॉ ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए कॉमेटेटिव लॉ का हिंदी में क्या होता है क्रम बी ने क्रम मैंने क्या हुआ ऑर्डर ऑर्डर को बदल दिया पहले ए था बाद में बी था अब उलट दिया बी पहले कर दिया ए बाद में कर दिया ऑर्डर को उलट दिया लेकिन रिजल्ट में कोई अंतर नहीं पड़ा उसी ढंग से डॉट में भी कॉमेटेटिव ला को फॉलो करेगा मीन्स ए डॉट बी और बी डॉट ए ये दोनों का वैल्यू सेम होगा तो चौथा प्रॉपर्टी यही है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कॉमिटेटिव कोमेटेटिव होने का मतलब क्या हुआ कि ए डॉट बी कीजिएगा और बी डॉट ए कीजिएगा दोनों का वैल्यू क्या होगा सेम होगा ए डॉट बी लिखे या बी डॉट ए लिखें दोनों का वैल्यू सेम अब इसका प्रूफ करना है तो आप एक लाइन में प्रूफ भी कर सकते हैं जैसे वेक्टर ये वेक्टर बी बीच का ये एंगल कितना है ठिट्टा ठिट्टा है अब जैसे लेफ्ट साइड में आइए ए डॉट बी ए डॉट बी क्या बताए थे ए बी कॉस अब इसका उल्टा लिखिए बी डॉट ए तो पहले बी लिखिए फिर ए लिखिए कॉस भी लिख रहे हैं ठिट्टा भी नहीं लिखे हैं ठिट्टा का मतलब क्या हुआ यहाँ पर रोटेशन क्या है ए टू बी ये वाला एंगल था अब यहाँ पर क्या लिख दिया हम बी डॉट ए मतलब ठिट्टा इधर से लेना होगा वैल्यू तो थीटा ही होगा लेकिन उल्टा लीजिएगा तो, तो क्या हो जाएगा माइनस थीटा यहाँ पर क्या लिखिएगा माइनस थीटा और आप पढ़े होंगे मैथ में कॉस माइनस थिट्टा इज्क्ल टू क्या होता है कॉस थीटा साइन माइनस थिट्टा इज्वल टू क्या होता है माइनस साइन थिट्टा जब साइन और एक में प्लस है और एक में माइनस है अगर टेन रहेगा तो टेन में भी माइनस ही आएगा माइनस टेन थिट्टा तो हमारा यहाँ पर क्या यूज करना है कॉस कॉस माइनस और ये तो जनरल गुना है जनरल का मतलब नंबर का है ए बी लिखिए या बी ए लिखिए ए बी कॉस थिट्टा यहाँ क्या देखें फाइनली कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए अभी तक हम जो बताए आप लोगों को अभी इसमें और प्रॉपर्टीज बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो आपका पहला समझिए एक स्केलर वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होगा वेक्टर सेकेंड क्या हुआ दो वेक्टर मल्टीप्लाई कीजिए रिजल्ट आइदर वेक्टर होगा आइदर क्या होगा स्केलर डिपेंड अपॉन द रिजल्टेंट क्वांटिटी तो अगर आपका स्केलर होगा दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर होगा तो बीच में साइन डॉट देते हैं इसलिए उसका दूसरा नाम क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट अगर आपका दो वेक्टर भेक, भेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट अगर वेक्टर ही आया तो बीच में साइन क्या देते हैं क्रॉस तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट हम फर्स्ट स्टार्ट किया आज कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू ए डॉट बी लिखिएगा तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ए बी थीटा ए डॉट बी का वैल्यू मतलब ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू क्या लेते हैं क्विटा